So note down the question fast, otherwise take the screenshot. We will solve this numerical, and which is very, very important, which is given in your state board, 12th Maharashtra state board में given questions हैं, exercise में दिया हुआ questions हैं. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले note down करना पड़ेगा given data. क्या करना पड़ेगा? Given data. So note down the given data first of all. Yes, I'm visible to you. So first of all, note down the given data. Note down the given data. Given. So note down the given. Yes, क्या given है आपको? Two parallel SHMs represented by first equation लिख लो. X1 is equal to 5u sine. ठीक है, 5u sine 4 pi t plus pi by 3. ठीक है, this is the first equation that you have given. Okay. नेक्स्ट मुझे बताओ इस इक्वेशन से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो. आपको जनरल इक्वेशन तो पता है, जनरल इक्वेशन आपका क्या रहता है? जनरल इक्वेशन कोई बताएगा? जनरल इक्वेशन आपका रहता है x इज इक्वल टू ओके ए साइन ओके एक्स वन यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे ए वन लिख लेंगे, ओमेगा टी प्लस फाइव वन. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है तो सभी जगह पे यहाँ पे वन वन लिख लेंगे. तो इसको थोड़ा सा इक्वेट करके देख लो, इक्वेट कर दो, इक्वेट करो x1 तो a1 देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड यानी कि इनिशियल फर्स्ट एम्पलीट्यूड फर्स्ट इक्वेशन का एम्पलीट्यूड बनने वाला है 5. देखो कंप्लीट इक्वेशन सेंटीमीटर में, इसका मतलब एम्पलीट्यूड भी सेंटीमीटर में आने वाला है. a1 5 सेंटीमीटर बनने वाला है. ठीक है, देन यहाँ पे ओमेगा टी देखो, ओमेगा टी इज इक्वल टू 4πt बनने वाला है. टी से टी मर जाएंगे यानी कि ओमेगा आपका क्या बनने वाला है? 4π. ओमेगा क्या बनने वाला है? 4π. एंड दिस इज कॉमन फॉर बोथ द इक्वेशन. देखो यहाँ पे भी 4πt है और यहाँ पे भी 4πt है, दोनों के लिए ओमेगा 4π आने वाला है. क्लियर? और देखो यहाँ पे 5 1, देखो 5 1 क्या बनने वाला है? पाई बाय 3. तो 5 1 भी लिख लो, 5 1 इज इक्वल टू पाई बाय 3. क्लियर? Yes, 5 1 is equal to pi by 3. Just equating the through equations. This is the general equation and above equation, this is the given. So, हमने दोनों equations को हमने क्या कर दिया? Yes, equate करके हमने सभी values यहाँ पे given data में note down कर लिए. Clear? Then, second, ये बन जाएगा आपका first. यहाँ पे second equations आपको क्या given है? x2 is equal to, बताओ, 3 sine, simultaneously note down करते चलो. ठीक है, 3 sine, 4πt प्लस पाई बाय 4. अब मैं यहाँ पे जनरल इक्वेशन नहीं लिखूंगा, मुझे डायरेक्टली आप बताओ यहाँ पे एम्पलीट्यूड a2 क्या रहेगा? 3 सेंटीमीटर. क्लियर? a2 क्या रहेगा? 3 सेंटीमीटर. इक्वेटिंग जैसे यहाँ पे a1 था, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी a2 रहेगा, यहाँ पे 3. क्लियर? साइन यहाँ पे भी ओमेगा 4π लिखने वाला है, ओमेगा सेम रहेगा तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं है. फिर से सिर्फ यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? 5 2. 5 2 क्या बनेगा यहाँ पे? पाई बाय 4. तो एम्पलीट्यूड भी निकल ओके, एम्पलीट्यूड और 5 2 ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल गई ओके, दोनों भी इक्वेशंस के लिए. अभी हमें निकालना है रिजल्टेंट. ठीक है, फार्मूला तो सभी को पता है, फार्मूला सभी को पता है. सो टू फाइंड लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो लिखना ही पड़ेगा. ठीक है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, डिटरमाइन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट SHM. तो यहाँ पे हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ही निकालना है. क्लियर? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो आपको अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो फॉर्मूला में फिर से लिख के दे रहा हूँ आपको. प्लस माइनस रहेगा, अंडर रूट रहेगा, a1 स्क्वायर रहेगा, प्लस a2 स्क्वायर रहने वाला है, प्लस ट्वाइस a1 a2 cos. ठीक है, 5 1 माइनस 5 2, इस तरीके से आपका फॉर्मूला रहने वाला है. ठीक है, एंड इपोज, इपोज यानी कि इनिशियल फेज, वो आपको निकालना है डेल्टा. तो डेल्टा का फॉर्मूला भी आपको पता है, दैट इज टैन इनवर्स ऑफ. ठीक है, सेकेंड जो टू फाइंड है आपका डेल्टा टैन इनवर्स ऑफ. तो यहाँ पे पता है आपको, यहाँ पे सभी जगह पे आपको a1 साइन फाइ लिखना है, ऊपर a साइन फाइ लिखना है, नीचे आपको a cos फाइ लिखना है, प्लस a cos फाइ लिखना है. ठीक है, यहाँ पे 1 1 1 1, यहाँ पे 2 2 2 2, इस तरीके से आपको नोट डाउन करना है. क्लियर? सो अभी देख लो सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन में आपके पास में फॉर्मूले तो है. ठीक है, तो डायरेक्टली हम पुट कर देंगे.
फॉर्मूला, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए तो फर्स्ट फाइंड करेंगे हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर क्वेश्चंस 4 मार्क्स के लिए पूछता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो वैल्यूज जस्ट अभी हमने फॉर्मूला तो लिख लिया है, ठीक है, इसका मतलब आपको फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, प्लस माइनस वो तो कॉमन है, उसको एज इट इज पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे निगेटिव एक्सट्रीम वो बाद में, हमें सिर्फ हमें यहाँ पे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं बाद में देखेंगे। तो सबसे वैल्यू निकालेंगे, प्लस माइनस लिखना नहीं है, सिर्फ ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर आपको पता ही है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट करने वाला। मुझे बताओ ए वन स्क्वायर क्या है, ए वन यानी कि 5 का स्क्वायर डायरेक्टली बताओ, लिख लो यहाँ पे तो लिख लो दैट इज 5 स्क्वायर। अभी यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 25 आ जाएगा, ए वन स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर दैट इज 25। ए टू स्क्वायर है, क्लियर, ए टू स्क्वायर, ए टू यानी कि क्या है 3 का स्क्वायर यानी कि 9 बन जाएगा, क्लियर। प्लस ट्वाइस ए वन ए टू, ट्वाइस ए वन ए टू, ट्वाइस ए वन दैट इज 5, ए टू है 3, क्लियर। देन बाद में है कॉस 5 1 माइनस 5, कॉस 5 1 क्या है पाई बाय 3, ठीक है, कॉस 5 1 है पाई बाय 3 और यहाँ पे है पाई बाय 4, ठीक है पाई बाय 4। तो वैसे आपको अगर डिग्री में लिखना है तो डिग्री में ये क्या बन जाता है आपका पाई बाय, ठीक है पाई बाय 3 है यानी कि बताओ ये 180 डिवाइडेड बाय 3 है यानी कि क्या बन जाएगा 60 डिग्री, बराबर है। ये क्या बन जाएगा आपका 180 डिवाइडेड बाय 4 है, बराबर है, 180 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपको एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला एंगल निकाल लो, ये एंगल क्या आ जाएगा 45 डिग्री, बराबर है, पाई बाय 4 तो आपको पता है वैसे 45 डिग्री रहता है, तो एंगल है 45 डिग्री, एंगल है 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ठीक है, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री अगर आपको लेना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो दैट इज 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री क्या बनेगा बताओ जल्दी, 60 डिग्री यानी कि यस 40 यानी कि 15 बचेगा, बराबर है 15 डिग्री, यानी कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री निकालना है, क्लियर, 15 डिग्री निकालना है कॉस 45 कर सकते हो आप सब ट्रैक, क्या मिलेगा आपको यस, माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो, यस, तो 15 डिग्री निकालना है आपको, क्या निकालना है 15 डिग्री, यस। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख लाऊ अभी, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 25 प्लस 9, बताओ जल्दी 25 प्लस 9 क्या बन जाएगा 34, इन दोनों का एडिशन 25 प्लस 9 दैट इज 34, इन सभी का मल्टीप्लीकेशन कर लो क्या मिल जाएगा 5 2 10 10 3 30, बराबर है, तो यहाँ पे मिल जाएंगे 30, ठीक है, कॉस यहाँ पे आपको निकालना है पाई बाय 3 यानी कि आपको पता है 60 डिग्री, पाई बाय 4 यानी कि 45 डिग्री, तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री आपको पता है क्या रहता है 15 डिग्री, तो कॉस 15 डिग्री आपको निकालना है, कहाँ से निकालोगे, यस कहाँ से, लॉग टेबल से कॉस 15 निकाल सकते हो, नेचुरल टेन से निकालना पड़ेगा, ठीक है, कॉस 15 डिग्री नेचुरल नेचुरल कॉस्ट से निकालना पड़ेगा, क्लियर। तो यहाँ पे ठीक है वैल्यूज देख लो, नेचुरल कॉस्ट 34 प्लस 30, ठीक है, कॉस्ट 15 डिग्री, कॉस्ट 15 डिग्री क्या आता है देख सकते हो, फास्ट देख लो जल्दी, ठीक है, तो हमें क्या देखना है यहाँ पे कॉस्ट 15 डिग्री देखना है, तो नेचुरल कॉस्ट में चले जाना है, नेचुरल कॉस्ट, नेचुरल कॉस्ट कहां पे देखो, यस नेचुरल कोसाइन, तो उसमें 15 डिग्री, नेचुरल कोसाइन में 15 डिग्री, ये देखो नेचुरल कोसाइन आपके पास, हाँ ये सामने बताओ नेचुरल कोसाइन 15 डिग्री, ठीक है, तो 15 को 0 एंड 0 में देखना पड़ेगा, तो बताओ जल्दी यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, यस कॉस 15 डिग्री, यस कॉस 15 डिग्री हमें देखना था, बराबर है, कॉस यानी कि 15.00 कोई मिनट्स नहीं है, तो 15 देखो कॉस नेचुरल कॉस में चले गए, यस कॉस को 0 में देखा, 0 एंड 0 डिग्री में, तो क्या मिले आपको 0.9659, ये वैल्यू उठा लो, ठीक है, वहां पे पुट कर दो,
वहां पे पुट कर दो न्यू शेयर वाइट बोर्ड जो भी है अपना 0.9659, तो यहाँ पे 0.9659 आपको पुट करना है। क्लियर? इस तरीके से 9659 पुट कर दिया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आपको करना है 0.96 से, यानी नियर अबाउट ये 10 के इक्वली रहेंगे, यानी कि 34। इसका स्क्वायर रूट आप डायरेक्टली निकाल सकते हो और इसका मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। क्लियर? तो रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड कर सकते हो कैलकुलेशन आइदर बाय यूजिंग द लॉग टेबल और बाय मैनुअल। यू हैव टू डू द कैलकुलेशन। देखो यहाँ पे 0.96 है, बराबर है, इसका मतलब मैं ले रहा हूँ, ठीक है, नियर अबाउट 10 है ये वैल्यू, नियर अबाउट 10 सॉरी 1 बनने वाली, नियर अबाउट 1 बनने वाली, ठीक है। तो इसका मतलब देखो 34, अगर मैं यहाँ पे नियर अबाउट 1 वैल्यू मैंने अगर राउंड फिगर कर दी इसको, तो 30 ही रहेगा, 30 × 1 यानी कि 30 रहेगा। क्लियर? देखो तो 34 क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकालने वाले, तो इतना ज्यादा वेरिएशन तो नहीं आने वाला है उसमें, तो मैंने यहाँ पे राउंड फिगर कर दिया है 30 + 34, तो यानी क्या बनेगा 30 + 30 दैट इज 60, दैट इज 64 बनेगा, बराबर है। तो 64 का हमें फिर से क्या लेना है बताओ जल्दी, हमें क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। यस 34 30 + 30, इसका मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकता है, थोड़ा सा कम ज्यादा यहाँ पे आंसर आ सकता है। क्लियर? थोड़ा सा कम ज्यादा रहेगा, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 64, अंडर रूट ऑफ 64 फिर आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, यस लॉग टेबल पे, रूट 64, यस स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के टेबल में जाना पड़ेगा आपको, स्क्वायर रूट के टेबल में जाओ, रूट 64 देखना है। क्लियर? ये सारी चीजें आपने करनी चाहिए, मैंने नहीं, मैंने आपको पूरा एक्चुअली कैलकुलेशन पढ़ा है कैसे कैलकुलेशन करने चाहिए, तो मैं फिर भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता हूँ आपको किस तरीके से फाइनल कैलकुलेशन तक करना है, ठीक है। रूट स्क्वायर रूट देखो, स्क्वायर रूट किसका निकालना है, 64 का स्क्वायर रूट निकालना है, इसका मतलब आपको डबल डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि डबल डिजिट में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी पता नहीं रहती आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है, तो देखो स्क्वायर रूट 64 का स्क्वायर रूट, 64 का स्क्वायर रूट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखो 64 यानी कि यस आपको 64 का स्क्वायर तो वैसे ही पता है आपको, दैट इज 8, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर 62 रहता है, एक्चुअली यहाँ पे देखो 62 आंसर दिया हुआ है किसमें, एक्चुअल अगर आप लॉग टेबल से कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे तो 30 × 0.96 आपको मिलेगा 62 समथिंग मिलेगा। तो 62 का स्क्वायर रूट आप यहाँ से उठाओगे, दैट इज 7.874, ठीक है, यहाँ से उठाओगे आप, ठीक है, 62 को 0 और 0 में देखना पड़ेगा, देन आपको उस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? तो फिर से एक बार वाइट बोर्ड देख लो, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे 60 का स्क्वायर रूट तो आपको यहाँ पे पता है 8 आने वाला है, मगर एट के नियर अबाउट आंसर गिवन है, तो हम लिख लेंगे 8 का। तो अगर यहाँ पे 62 आता था तो कैसे देखना है मैंने आपको बता दिया, अगर यहाँ पे अगर रूट 62 आता है तो वैसे ही आपको कहाँ से देखना है, लॉग टेबल से, स्क्वायर रूट से देखना है, ठीक है। मगर ये तो आपको पता है रूट 64 क्या रहता है, दैट इज 8, ठीक है, 8, ठीक है, 8 किसी ने भी नहीं बताया आंसर। यस डेफिनेटली ऑल दीज आर इन सेंटीमीटर है, तो एम्पलीट्यूड भी किस में रहने वाला है, सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे इसका कैलकुलेशन देखो, 30 का 0.9659 करने के बाद में पूरा कैलकुलेशन ये वाला आता है 28 और 34, यानी कि 62 समथिंग आता है, 62 point something। इसका अंडर रूट अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो 7.936 आपको मिलता है। क्लियर? देखो 7.936 यानी 8 सेंटीमीटर नियर अबाउट सेम ही राउंड फिगर, तो वही मिलने वाला है। क्लियर? राउंड फिगर तो वही मिलने वाला है। क्लियर? तो राउंड फिगर वही मिलने वाला है, तो हम यहाँ पे आंसर को चेंज, आपका आंसर करेक्ट ही रहेगा, आंसर रॉन्ग नहीं रहेगा। क्लियर? राउंड फिगर किया तो भी, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम राउंड फिगर नहीं करना है आपको, लॉग टेबल का यूज करके एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक्चुअल आंसर, 7.96 भी लिख सकते हो और 8 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पे ले लिया 8 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डेल्टा में 8 रिजल्टेंट यूज होने वाला है, इसीलिए डेल्टा भी ज्यादा वेरी नहीं करने चाहिए, ठीक है, देख लेंगे। तो रिजल्टेंट मिल गया आपको, रिजल्टेंट 8 सेंटीमीटर मिल गया। अभी हमें निकालना है डेल्टा, डेल्टा में सभी वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है, डेल्टा में सभी वैल्यूज पुट कर दो। फर्स्ट तो बन गया आपका, फर्स्ट इक्वेशन बन गया, फर्स्ट का आंसर बन गया आपका, आंसर बन गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अभी हमें निकालना है
डेल्टा, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर रहे हैं दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, ठीक है। देखो ए वन साइन, एम्पलीट्यूड बताओ, ए वन क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 साइन, ठीक है। फाइव वन क्या है पाई बाय थ्री, यानी कि क्या होता है जल्दी बताओ, 60 डिग्री, मैं डायरेक्टली यहाँ पे 60 डिग्री लिखता हूँ। प्लस ए टू क्या है, यहाँ पे ए टू है आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। देन साइन फाइव टू क्या है, फाइव टू है 45 डिग्री, क्लियर। देन फिर से नीचे देखो फाइव, यहाँ पे कॉस, फाइव वन है 60 डिग्री, प्लस ए टू फिर से है 3 cos 45 डिग्री, क्लियर। उसी तरीके से फिर से पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आप यहाँ पे आपको नोट डाउन कर लो यहां तक के, तो यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये सारी वैल्यू तो आप निकाल सकते हो टेबल से, आपको पता है, ठीक है। 5 साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या आता है बताओ जल्दी, √3/2 आता है सर। प्लस 3 साइन 45 डिग्री क्या आता है, 1/√2 आता है सर, पता है आपको, टेबल तो पढ़े ना आपका। देन फिर से कॉस 60 डिग्री क्या आता है, कॉस 60 डिग्री 1/2 आता है सर, बराबर है, कॉस 60 1/2 प्लस 3, मैथमेटिक्स में तो पार्ट होगा, कॉस 45 डिग्री साइन 45 डिग्री सर 1/√2 ही आता है, पता होगा सबको, क्लियर। सो डेल्टा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, ये सारा कैलकुलेशन अभी आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई शॉर्टकट नहीं है, क्लियर, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखो 5/2 यानी कि 2.5 बन जाएगा, क्लियर, इंटू √3। √3 का आंसर मैंने आपको बोला था कि आपको अगर हो सकता है तो लर्न कर लो, कि हर एक टाइम हम लॉग टेबल में जाएंगे, √3 का वैल्यू देखेंगे, देख सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ट्राई टू लर्न दिस पर्टिकुलर वैल्यूज, √3 का वैल्यू आप लर्न करके रख सकते हो, दैट इज ये वैल्यू आता है आपका 1.732, क्लियर, 1.732। प्लस अब देखो यहाँ पे 3/√2 है, तो यहाँ पे अगर आपका पॉसिबल हो सकता है तो आप √2 का भी वैल्यू लर्न करके रख लो, और लर्न हो जाता है, वो वैल्यू आता है आपका दैट इज 1/1.414 वैल्यू है आपका √2 का। इस तरीके से आपका न्यूमरेटर बन गया। अभी डिनोमिनेटर देखो, यहाँ पे 2.5 आने वाला है, और यहाँ पे फिर से वही दैट इज 3/1.414 आने वाला, क्लियर। तो अभी ये तो आपको मल्टीप्लीकेशन करना ही पड़ेगा, एक तो मैनुअल करो, ठीक है, ये तो पहले मैनुअल कर सकते हो, इसका मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हो, 2.5 का मल्टीप्लीकेशन 1.732 के साथ में कर लो, और फास्ट में मुझे आंसर बताओ, ठीक है, मैनुअली करना है आपको, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लो, ये वाला आंसर आ जाएगा आपका 4.33, ठीक है। अभी इसका डिवीजन आपको परफॉर्म करना है, 3/√2 का डिवीजन आपको परफॉर्म करना है, तो इसका डिवीजन भी आप मैन्युअली कर सकते हो, ठीक है। मैन्युअली कैसे करना है, 14.4 ले लो, ऊपर 30 डाल लो, 30 को 14 से डिवाइड कर लो, इस तरीके से, ठीक है। अगर सर मैन्युअल में करना होगा तो कैसे करना है, तो एक थोड़ा सा शॉर्ट रिंग बढ़ा लो, देखो बता रहा कैसे करना पड़ेगा, ठीक है, यही पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे 3 है डिवाइडेड बाय 1.4414 है, यहाँ पे 30 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम, इसका मतलब हमने क्या किया, 13 ऐड कर लिया, क्लियर, यानी कि 10^-1 लिख लो, यहाँ पे 1.4 नहीं लिख सकते तो 14 लिख लो, ठीक है, 14.14 लिख लो, 14.14 यानी कि नियर अबाउट 14 आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या किया है, डेसिमल को शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, 10^-1 करना पड़ेगा, ऊपर आपने एक डेसिमल बढ़ा लिया तो उसको आपने 10^-1 कर लिया, बराबर है, ओके। और नीचे आपको क्या 1.4 चाहिए, आपने 14.14 लिखा तो फिर से आपने क्या किया, -1, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, आप ये मैनुअल कर सकते हो अभी, ठीक है, तो इसका मैनुअल करो, मुझे बताओ फास्ट, ये सारे कैलकुलेशन किस तरीके से परफॉर्म किया पूरा बता रहा हूँ। 1.414, तो 3/1.414 क्या आ जाएगा,
यस, तो ये आपको मिलने वाला है 2.12 समथिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना 2 का यहाँ पे, ओके 10^-1 10^-1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 14 2s 28 आ जाएंगे, ये 2. समथिंग में आंसर आने वाला है। क्लियर, तो ये आपको मिल जाता है 2.12 समथिंग। अरे शॉर्टकट समझ में आ रहा है? यस। अरे बाप रे, ये तो बहुत हो गया। ठीक है, देख लेना एक बार वैल्यूज टेबल में, देख लेना भाई वैल्यूज करेक्ट है, इसका मतलब आपका टेबल आपको लर्न नहीं है, या अभी 12th में आ गया और आपको साइन और कॉस का टेबल लर्न नहीं है। 2.12 आ गया, क्लियर। नीचे देख लो, नीचे क्या है 2.5 प्लस यहाँ पे 2.12 ही आने वाला, क्लियर। तो ये तो मैनुअल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ, इधर का पूरा साइड इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारा कैलकुलेशन करके दे रहा हूँ इन डिटेल्स, पूरा कैसे करके देते वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा, डेल्टा क्या बन जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू देखो टैन इनवर्स ऑफ, ठीक है। यस 4.33 समथिंग, चलो इसका कैलकुलेशन परफॉर्म करो। 2.12 क्या आ रहा है, 6. कर सकते हो, 6.45 रहेगा, ठीक है। और नीचे देखो 2.5 है प्लस 2.12 है, ठीक है 2.12, तो ये बन जाएगा 4.62। क्लियर, इसका डिविडेशन, इसका डिवाइडेशन ये भी आप मैन्युअली कर सकते हो, कुछ ज़रूरत नहीं है। जो लॉक टेबल से करना है तो लॉक टेबल से कर सकते हो, तो लॉक टेबल से फिर वही चीज़ आपको करनी पड़ेगी, वही चीज़ आपको करनी पड़ेगी। इसका पहले कैलकुलेशन लॉक टेबल से परफॉर्म कर सकते हो तो परफॉर्म करो, इसका कैलकुलेशन लॉक टेबल से परफॉर्म करने के लिए बोल रहा हूँ, इसका कैलकुलेशन तो क्या बन जाएगा बताओ जल्दी, इसका कैलकुलेशन दैट इज ए एन टी यानी एंटी लॉग, यस लॉग ऑफ 6.45 माइनस लॉग ऑफ 4.62, और यही बनेगा ना लॉग ऑफ 6.45 माइनस लॉग ऑफ 4.62, क्लियर। और उसका उसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो चलो बताओ जल्दी लॉग ऑफ 6.42 क्या आ जाएगा। यस यहाँ पे पॉइंट के बाद में सिर्फ सिंगल डिजिट है तो यहाँ पे जीरो बनेगा, अरे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा जीरो, ठीक है। तो 64 को 5 में देखो, 64 को 5 में देखो, फिर से वही चीज 64 को 5 में, यानी कि लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो 64 को 5 में देखो, 64 लॉग में, ठीक है लॉग, यस ये बन गया आपका 64। 64 को 5 में देखो, फास्ट बताओ आंसर, 64 को 5 में देखा 0, 1, 2, 3, 4, 5 बराबर है, यस। तो आंसर क्या मिलेगा, यस फिर से बता रहा हूँ, ठीक है 64 को 5 में देखो, 8096, दैट इज 8096 वहाँ पे पुट कर दो 8096, ठीक है। अभी लॉक टेबल तो एक कैलकुलेशन तो परफॉर्म कर दिया था ना, दैट इज क्या आया था 8096 आया था ना, ठीक है। यहाँ पे 4 है, सिंगल डिजिट है, यानी कि यहाँ पे 0 कैरेक्टरिस्टिक 0, 46 को 2 में देखना है, 46 को 2 में देखना है, ठीक है 46 को 2 में देखो, 46 को 2 में देखना है, 46 को 2 में कुछ भी नहीं, सभी मुझे करना पड़ता है, ठीक है 46 को 2 में, 46 को 2 में 0, 1, 2, ठीक है। तो 4, 4, 6, 6, 6, 4, 6, 6, 6, 4, 6 ध्यान में रखो, 6, 6, 4, 6, 6, 6, 4, 6, तो ये आएगा 6, 6, 4, 6, ठीक है। इसका कैलकुलेशन ये मैन्युअली करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 0.145 समथिंग, ठीक है। इसका एंटीलॉग, इसका एंटीलॉग, एंटीलॉग ले सकते हो, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो है तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, दैट इज एंटीलॉग, दैट इज 0 + 1, दैट इज यहाँ पे बनेगा 1। 14 को 5 में देखना है तो ये आपका वैल्यू आने वाला है, दैट इज 396, देख लेना लॉक टेबल में 0.14 को 5 में जाके देख लेना, अभी वो भी करके दूं, ठीक है। देखिए सर अभी लिया है तो पूरा ही एंड करके दम लेंगे, ठीक है।
कैरेक्टरिस्टिक तो जीरो बन गया, ठीक है। 0.14 को 5 में देखना है, 0.14 को 5 में एंटी लॉग में जाने का है, एंटी लॉग में 0.14 को 5 में देखो तो 5 में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 9, 6 वही हमने लिखा था, बराबर है 1, 3, 9, 6 वही आने वाला है, 1, 3, 9, 6 ध्यान में रखो, 1, 3, 9, 6, 1, 3, 9, 6 ठीक है, 1, 3, 9, 6 तो इसका आंसर आया था अपना, ठीक है यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फिर से, ठीक है इसका एंटीलॉग आया था 1, 3, 9, 6 ठीक है यहाँ पे, ठीक है देखो यहाँ पे 0+1 यानी कि 1 डिजिट के 0+1 आ जाएंगे, यानी कि 1 डिजिट के बाद में आपको डेसिमल वहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है तो यहाँ पे 1 के बाद में डेसिमल शिफ्ट किया तो 1.396 आपका आंसर बन गया, क्लियर 1.396 आपका आंसर बन गया। ये किसका आंसर है, इसका डिविडेशन का, तो अभी आपको क्या निकालना है, दैट इज डेल्टा देखो, ठीक है या एक इसका आंसर है 1.396, दिस इज द आंसर ऑफ 6.45 डिवाइडेड बाय 4.62 का आंसर है, क्लियर। तो ये सारा इरेज कर दूं, ठीक है नोट डाउन कर लेना फास्ट, जो बच्चे अगर बेसिक से अगर पढ़े हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉग एंटी लॉग रिवीजन तो होना ही चाहिए, पढ़ते ही नहीं आप, सिर्फ बैठे रहते हो घर पे, कुछ भी करते नहीं है, पता ही नहीं आपको आप 12th में हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी वैसे चल रही है, फ्री में पास कर रहे कैसे पढ़ेंगे बच्चे, पढ़ेंगे नहीं तो भविष्य कैसे बनेगा आपका, कोई भविष्य नहीं है आपका। डेल्टा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ, ठीक है देख लो यहाँ पे टैन इनवर्स किसका है, देखना है आपको 1.396 का टैन इनवर्स देखना है, सर ये भी हमने नहीं देखा है टैन इनवर्स, ये भी हमको नहीं पता है कैसे देखना है, ठीक है फिर से बता रहा हूँ आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, नेचुरल टेंजेंट में जाना पड़ेगा, कहाँ पे जाना पड़ेगा नेचुरल टेंजेंट में, तो वहां पे 1. अगर आपने देखा नहीं तो यूट्यूब पे जाके देख लो, मैंने वीडियो अपलोडेड किया हुआ है, अगर नहीं है तो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, अगर हर एक का लिंक मैंने प्रोवाइड नहीं किया है कैसे टाइम दिख रहे, हर एक मैंने वीडियो हर एक रिकॉर्ड करके रखे है मगर मैंने लिंक नहीं दिया, ठीक है अपलोडेड भी है, अगर चाहिए तो रिक्वेस्ट करना बाद में आपको मिलेगा। 1.396 को tan इनवर्स कैसे देखना है, फिर से कहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, यस नेचुरल टेंजेंट में, नेचुरल टेंजेंट 4.4, यस देखो इस तरीके से आंसर बताना चाहिए, ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए, मैंने यहाँ पे अगर कमांड कर दी तो आपका आंसर वहां से निकालना चाहिए, तब जाके प्रोग्राम कंप्लीट होगा, मैंने बता दिया ना आपने वहां पे लॉक टेबल आपके पास में रहना चाहिए, आपने लॉक टेबल में देखना चाहिए और आंसर छट के ऐसा बताना चाहिए, आप देखते ही रहते हो सर कब दे बताएंगे सर कब बताएंगे, बहुत कम आंसर बताते, आपने वहां पे आपका नोटबुक पेन चलते रहना चाहिए, इस तरह फास्ट चलते रहना चाहिए, तो देखो फिर भी बता रहा हूं 1.396 ध्यान में रखो, नेचुरल टेंजेंट ये बन गया नेचुरल टेंजेंट, ठीक है अभी नेचुरल टेंजेंट में आपको वो वैल्यू सर्च करनी है, कौन सी 1.396 ये वैल्यू सर्च करनी पड़ेगी 1.396, ठीक है देखो यहाँ पे 3 की सीरीज चालू है, 1.3 की सीरीज यहाँ पे देखो 1.3 की सीरीज यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है 1.3 हमें क्या चाहिए 96 हमें चाहिए 1.396 चाहिए ना 1.396 चाहिए, ठीक है तो 1.396 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1.3968 है, यस यही बन जाएगा ना आपका 396, वन तो इधर ही है हमें चाहिए 396 यानी कि यही बनेगा ना आपका, यही आंसर बनने वाला है, ठीक है तो कहाँ पे है 54 डिग्री पे, कौन से मिनट पे है वो भी देख लो भाई, ठीक है कौन से मिनट पे है 24 मिनट पे है, तो आंसर बताओ क्या आने वाला है, कहाँ पे था आंसर यहाँ पे, ठीक है 1.30 कहाँ पे था, ये वाला आंसर 54 डिग्री,
बराबर है 54 डिग्री। मिनट्स देख लो, 24 मिनट्स, इसको 24 मिनट्स को और कैसे लिख सकते हो, देखो 54 डिग्री, ओके, इसके लिए मिनट्स डिग्री कितना है 0. यानी कि 0.4 डिग्री, यानी कि 54.04 डिग्री भी लिख सकते हो और 54 डिग्री 24 मिनट्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? जो आपको लिखना है, जो मर्जी लिखना है वो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो आंसर बताओ 54.04 डिग्री। सो यहाँ पे आपको टेन इनवर्स मिल जाएगा, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू, बताओ 54 डिग्री, ठीक है, 24 मिनट्स इस तरीके से, और डेल्टा इज इक्वल टू 54.04 डिग्री इस तरीके से, ये बन गया आपका डेल्टा का आंसर। खत्म, यहाँ पे आपका क्वेश्चंस खत्म हो गया। देखो इस तरीके से पूरा इन डिटेल सॉल्व करके दिए, ईच एंड एवरी कंसेप्चुअली पूरा के हर एक न्यूमेरिकल, सिर्फ यहाँ पे मैंने लॉग टेबल का ये कैलकुलेशन नहीं, रूट थ्री का वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए, नीट और जेडब्ल्यू वाला आपको ध्यान में रखो, एमएसटी सीडी भी इंक्लूडेड है, ठीक है। 1.73 से कुछ चीजें तो हमें लर्न करनी ही पड़ेगी क्योंकि वो जरूरी है प्रॉब्लम के लिए, नहीं लर्न करोगे तो वहाँ पे आपको कैलकुलेशन बहुत लेंगी, इसका वैल्यू कहाँ तक निकालो, वो लर्न होना चाहिए वैल्यूज, ठीक है। हाँ, रूट थ्री रूट थ्रू तो लर्न ही कर लो, देन उसका मल्टीप्लीकेशन मैंने फिर भी बता दिया था, ये तो सारी चीजें बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ये कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करते हैं सर, थ्री अगर ठीक है, देखो ये वाला कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म किया, कौन सा, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सारी चीजें तो नोट डाउन कर लिए ना आपने, स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, देखो क्लियर, एक ही स्टूडेंट, एक और रुद्र और जतिन और एक दिशा, ये एक्टिव रहते, बाकी सब ऐसा लगता है सोए है कि सभी लोग, कमेंट्स मध्ये नाही टाइप बोला ना, ऐकू येतंय मला तुमचं बोलणं, काही बेसिक गोष्टी शिकवतंय बघा कॅल्क्युलेशनच्या, काही बेसिक गोष्टी शिकवतंय, हा पार्ट नाही आहे माझा ऍक्च्युली, ठीक आहे, शिकवण्याचा तरी सांगतोय, लक्षात घ्या, नीट आणि जेडब्ल्यू साठी बघा, आता सपोज मला असं परफॉर्म करायचं 3/1.414 आलोय, घाबरून जायची गरज नाही सर, मी काय लॉग टेबल याचे छोटे कॅल्क्युलेशन साठी लॉग टेबल यूज करायची गरज नाही, एवढे छोटे छोटे कॅल्क्युलेशन साठी लॉग टेबल नाही यूज करायचं, तर मग कसं करायचं तर सांगते कसं करायचं, 3/1.41 आहे ना, तिरप झाले का, थोडं सरळ लिहिवे, मग काही नाही, 3/ ना, याला मी काय लिहू शकतो बेटा, मला 30 लिहिलं तर सोपं पडेल का, सोपं पडतंय सर, आणि इकडे खाली 14 लिहिलं तर सोपं पडतंय ना, बिंदास लिहून टाका, बिंदास लिहून टाकायचं, काही अडचण नाही, ठीक आहे। मग मी इथे काय केलं, 1-0 जास्ती झालेलं, 1-0 जास्त लिहिलंय ना, तर त्याला काउंटर अटॅक, ओके, त्याला एन्काउंटर करायसाठी 10^-1 टाका, म्हणजे 10 आहे। आता हे पण माहिती पाहिजे पोरांना आजकालच्या, आता हे तर पास आउट झालेले पोर कसे शिकव, अडचण आहे, हे जे जस्ट आता 10वीला पास झालेत, पुढे आले, फुकट पास झाले ना, 10th 9th 10th पासून फुकट पासिंग झालं, 10th, अरे बेटा 10^-1 म्हणजे मी त्याला काउंटर अटॅक करून शेवटी 3 लिहिलेला आहे, 3 लिहिलेला आहे, हे पण माहित नसतं। आता इथे मी 14 लिहिलेलं आहे माझ्या स्वतःच्या ऍडजस्टमेंट साठी लिहिलेला आहे, ठीक आहे, 14.14 लिहितोय, म्हणजे मी इथे काय एक्स्ट्रा लिहिलेलं आहे, 10^-1, मला बघा मी पॉइंट डेसिमल इथे शिफ्ट केलेला आहे, म्हणजे मला काय करावं लागेल, 10^-1 करावं लागेल, बरोबर आहे, म्हणजे पॉइंट तिथेच येईल। आता बघा इथे, ओके, हा हे कॅल्क्युलेशन परफॉर्म करणं काय, हे कॅल्क्युलेशन परफॉर्म करणं काय, सेम आहे, 10^-1 10^-1 कॅन्सल होणार आहे, क्लिअर। आता करू शकता 30, ओके, सॉरी 30 इकडे येणार, क्लिअर, इकडे काय येणार, इकडे येणार 14.14 जाऊ द्या, 14/30 का, अरे करू शकता, 14 × 2 = 28, आता हे पण करून देऊ, खाली सर 2 राहणार, बरोबर आहे, म्हणजे इथे मी पॉइंट देणार, म्हणजे इथे 0 येणार, हा हे पण करून देऊ का, ओके, 14 × 1 = सर 14 येतं, बरोबर, इथे काय राहणार 6, अरे हे पण करून देऊ का, ओके, इथे काय राहणार 60, बरोबर, फिर से ही प्रोसेस चालणार अशी, बघा ना, 2.1 काय पाहिजे आपल्याला, 2.12 करण पुढचं कॅल्क्युलेशन इस तरीके से। आता मी इथं राऊंड फिगर घेतलेली आहे, 14.14 नाही घेतलं, राऊंड फिगर।